சிம்சோன் தெரிவாதி சேர்ந்த ஆயிட்டு சிம்சோன் மாதாவிதாக்களை கூட்டிக்கொண்டு திம்னா என்ற ஸ்தலத்தை போகிறான் प्रभु में आश्रय करो प्रतियोगी होकर एक और लाइफ में आगे गिर
सिंपल काम आप
ये मामला और ये शैतान का बहुत बड़ा चतुरा इस पर है कि कभी लोग एक्सपेक्ट ना करते समय में वो आक्रमण करता है अभी तक कारण हो रहा है यार मानी के अल्प काल में वो लोग नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसको सिर्फ केवल कुछ समय है अगर वो कृषि भूमि केवल और होता तो अगर समझिए कि अगर एक बगीचे का खेती का जमीन अगर एक खेती के एक बगीचे में अगर एक गेहूं का बीज डाले तो और कोई ना आए तरह का कोई नहीं होता कितने आएगा क्यों
किया है वो बहुत रहस्य में हुआ है, जिसके वजह से उनको हकीकत में जो शत्रु थे उनको सामना करने के लिए उन्होंने खड़ा किया। और ऐसा प्रार्थना करने के बाद उस विषय में वे लोग जीत जाते हैं। इसके साथ
और आप
याद कर वो सारे लोगों को शुक्रगुजार धन्यवाद देना।